गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। गुड मॉर्निंग माई फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत ही ये होता है ना मोटिवेशनल लाइन है ये जो मैंने अभी आपके लिए बोली है, कि वाकई जो हमें ना नीचे खींचते हैं ना हमारे काम को लेकर, या फिर जो हमें गिराते हैं, हमें उनको वाकई दिल से अपने थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रांग हैं कि मुझे ये काम करना ही है, तो दुनिया वाले कुछ भी बोले कुछ भी करे, हमको अपना काम करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, शादी के नेक्स्ट डे का वीडियो है। अगर आपने शादी का व्लॉग नहीं देखा है ना, ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छा व्लॉग है और बहुत ही मज़ा आया था मुझे। और बस उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, और बहुत ही थकी हुई थी मैं, आँखों में ना पूरी नींद भरी पड़ी थी, रात भर की जगी थी। और सुबह सुबह मेरे पापा को ना, मेरे पापा ने बोला कि मुझे जाना है घर पे, तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, नाश्ता जो होता है ना, नाश्ता और खाना बना रही हूँ दोनों टाइम का पापा के लिए। तो बस अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी। मैंने सोचा कि इकट्ठे हम सबके लिए बना लेती हूँ, मतलब युग के पापा मेरे, युग के लिए और फिर मेरे पापा के लिए, इकट्ठे मैंने सबके लिए खाना सोचा कि बना ही लेती हूँ, काम खत्म करती हूँ। और देख ही रहे हैं आप, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि शादी में इतनी होती है ना व्यस्तता हो गई थी, इतनी मैं बिजी हो गई थी कि घर पे होता ना कि थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी। आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो उसमें होता ना कि बहुत ज़्यादा मार्केट, कभी इधर कभी उधर, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो सब कुछ बहुत बिखर गया था घर में। अभी तो मुझे घर वगैरह भी ना अपने ठीक ही करने थे, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लगा था बस किचन का काम ख़त्म करो। थोड़ा बहुत मैंने साफ ऐसे ही कर दिया था, बहुत डीप क्लीन नहीं किया था, साफ सफाई करके पहले तो नाश्ता खाना बनाना था। और बस अभी मैंने ना सब्जी जो है वो रेडी हो गई है, आटा वगैरह गूंथ के अब मैं चली रोटियां सेकने, फटाफट से रोटियां बनानी थी मुझे सबके लिए। और फ्रेंड्स, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वाकई मुझे ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी भी हो पाऊँ। मन करता था कि बस जाके ना, और ये लग रहा था कि काम सारे ख़त्म कर दूँ, वरना एक बार बेड पे गई ना तो 4 घंटे के पहले तो उठने नहीं वाली हूँ मैं। और बस यहाँ पे अब घी लगा के जो रोटी है ना वो मैं पैक कर रही हूँ अपने पापा के लिए। मैंने सोचा कि रोटियाँ इकट्ठे ना पैक वैक करके फिर हम लोग निकलेंगे, और मेरा घर देखिए फ्रेंड्स कितना ही बिखरा पड़ा है। तो मैंने सोचा ना कि ये जो है ना, ये टाइम थोड़ा सा मैं सो गई थी उसके बाद का है ये वीडियो। और मैं बात करते करते मैंने सोचा ना कि चलो फिर जो घर है ना थोड़ा सा फैला है, मतलब युग के कपड़े फैले थे, कपड़े धुले हुए थे, तो वो सारे जो है ना मैं हटा दूँ। और युग भी मेरे साथ ही सो गया था, सो के उठा, बस मैं अभी इसको ब्रश करा रही हूँ, उसके बाद से मैं इसको सॉक्स वगैरह पहना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ इसको। और इसकी भी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो गई थी इस बीच में, क्योंकि ठंड वगैरह लग गई थी काफ़ी, इसने भी खेला था, तो बस कफ सिरप इसको पिला रही हूँ, काफ़ी इसको सर्दी जुकाम हो गया है। फ्रेंड्स, ये था मेरा इसका छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, और बने रहेगा मेरे मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।